लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है, साथ में आपको बताएंगे जल शक्ति विभाग में भी कुछ रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आया है जिसमें सम्मिलित है मल्टीपर्पज वर्कर्स, पैरा पंप ऑपरेटर्स और पैरा फिटर्स। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की टीम द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए नवीनतम सिलेबस पर आधारित किताब तैयार की गई है। ये एक किताब आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर के एग्जाम के लिए भी उपयोगी साबित होगी। आप विजिट कीजिए elitestudyco.in और वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस किताब के पूरे कंटेंट्स आप चेक कर सकते हो, कितने कंटेंट्स इस किताब में उपलब्ध है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ने हैं। इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स जिसमें सम्मिलित है गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, कुल मिलाकर के आपको विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स एक ही किताब में उपलब्ध करवाने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया। इन करंट अफेयर्स के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। इस कड़ी में आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब काफी उपयोगी साबित हो रही है। इस किताब में आपको मिलता है 10-10 हजार का, 10 हजार का प्लस प्लस का क्वेश्चन बैंक जो कि विभिन्न तरह के कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए elitestudyco.in। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के एक पद के लिए आपको अप्लाई करना है। ड्यूरेशन यहाँ पे मांगी गई है 1 ईयर, 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए और यहाँ पे जो तनख्वाह दी जाएगी वो 18,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन है, इसके लिए भी एक पद है, 1 साल के लिए आपकी ये जॉब रहेगी, 18 से 45 वर्ष की आयु हो और 16,000 रुपये इसके लिए तनख्वाह दी जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आपको IGMC की वेबसाइट पर जाना है www.igmcsimla.edu.in। यहाँ पे जाके आपके रिक्रूटमेंट लिंक पर जाना है, वहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस के बारे में आगे इंटीमेट किया जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, 20/11/2020 तक 5 बजे से पहले पहले आपका आवेदन IGMC शिमला में पहुँच जाना चाहिए। दूसरा एडवर्टीजमेंट नोटिस है जिसे जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के द्वारा, और देखिए ये है आपका जल शक्ति मंडल धर्मशाला का, धर्मशाला का जो जल शक्ति मंडल है वहाँ से इसे जारी किया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है 17/11/2020 को 10 बजे वो कार्यालय में इनका जो भी आगे की प्रोसेसिंग होगी, जो साक्षात्कार होगा वो वहाँ पे होगा। उसके बाद पैरा पंप ऑपरेटर्स का 18/11/2020 को 10 बजे से, और उसके बाद तीसरा है पैराफिटर का 19/11/2020 को 10 बजे से रखा गया है। सभी आवेदकों से आग्रह है कि उपरोक्त दर्शाए गए समय व तिथि के अनुसार सुबह 9 बजे तक जल शक्ति विश्राम गृह सिद्धवाड़ी धर्मशाला में साक्षात्कार हेतु अपनी हाजिरी सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी आवेदक का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो जो डेट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया, तो आप इन तिथियों पर वहां पर पहुंच जाइएगा। COVID-19 पैंडेमिक चल रहा है, ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जो सरकार की डायरेक्शन है उसे फॉलो करते हुए आप इस साक्षात्कार में जाइएगा और हमारी टीम के द्वारा आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको पुनः एक बार अवगत करवा दें कि आप इलाइट प्लेटफॉर्म की विभिन्न तरह की किताबों के लिए वेबसाइट को विजिट कीजिए www.elitestudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।